मीठा खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन मीठा बनाना हर किसी को पसंद नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रसमलाई, जो कि बहुत कम वक्त में घर पर बना सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं और आपको मीठा बाहर से लाने का टाइम नहीं है तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। तो बनाते हैं ब्रेड की रसमलाई। चलिए इसे देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मलाई बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। पानी इसलिए डाला है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। हाई फ्लेम पर इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से लगे नहीं, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ सैफरन के धागे लिए जिन्हें दूध में भिगो कर रख दिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको पका लेंगे 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब ये पक चुकी है और इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमने यहाँ पर लिया है 50 ग्राम खोया। इसमें 2 पिंच के करीब हमने हरी इलायची का पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ काजू का यूज़ कर रही हूँ। इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी इसे एक साइड में रख देंगे। ब्रेड के स्लाइस लिए हैं जिन्हें किसी ग्लास से या फिर कटोरी से आप कट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्लास की हेल्प से सारे ब्रेड्स के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। जो हमारी ब्रेड की साइड्स बच गई हैं इनसे आप ब्रेड क्रम बनाकर इनको स्टोर करके रख सकते हो। जो मलाई हमने बनाई थी उसे फ्रिज में रखकर हमने ठंडा कर लिया, इसे हम एक साइड में रख देंगे। और अब मैंने स्लाइस लिया है, इसको हम एक बेलन की हेल्प से इसको बेल लेंगे इस तरह से। स्लाइस को हमें थोड़ा सा फ्लैट करना है, हमें बहुत ज़्यादा इनको नहीं बेलना है। तो इस तरह से सारे स्लाइसेस आप बेल लीजिएगा। अब एक स्लाइस लिया है हमने और इस पर जो हमने स्टफिंग बनाई थी खोए की वो रखेंगे 1 चम्मच के करीब। अब हमें इसे चिपकाना है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम मिल्क लेंगे, जो हमने बना कर रखा हुआ था मलाई उसे हम लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये आसानी से चिपक जाएगा। और इसकी साइड्स हम एक फॉक की हेल्प से इस तरह से बंद कर देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकले और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हम सारी रसमलाई को बना लेंगे। और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इंस्टेंट रसमलाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कितनी जल्दी से ये बन जाती है आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मलाई के अंदर मैंने चॉप्ड बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो रसमलाई इसी से ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।